नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। बिजली उपभोक्ता अब कोटीदारों के यहाँ जमा कर सकेंगे बिजली के बिल। सिरौली गौसपुर तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में बताया गया कि बिजली उपभोक्ता अब कोटीदारों के यहाँ जमा कर सकेंगे बिजली के बिल। बिजली विभाग के अधिकारियों ने तहसील सभागार में कोटीदारों के साथ की बैठक। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए व राजस्व बढ़ाने के लिए बिजली विभाग में उठाया कदम। पूर्ति निरीक्षक गरिमा वर्मा ने बताया कि कोटीदारों के यहाँ बिजली के बिल जमा किए जाएंगे, किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस मौके पर उपखंड अधिकारी प्रेम प्रकाश पटेल, जेई बीडी यादव सहित समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। बाराबंकी से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। जो आज कोटेदारों में बिजली विभाग द्वारा जो बैठक हुई है, किस क्या वजह से हुई? आज हमने सिरौली गौसपुर उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कोटेदारों की एक बैठक बुलाई थी, जो कि इस विषय में थी कि अब हम कोटेदार के माध्यम से गांव के सभी बिजली बिल के उपभोक्ता अपना बिल कोटेदार के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिससे उनको कहीं और दूर ना भागना पड़े और इससे कोटेदारों को भी 17 रुपये पर बिल पर बिजली के भुगतान पर उनको भी कमीशन प्राप्त होगा और साथ में इससे सरकार के राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी। इसमें सभी कोटेदारों को उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है और कोटेदारों की ई पॉस मशीन में ही UPPCL नाम का एक ऐप जनरेट हो चुका है, जो कि काफ़ी पहले से जनरेट था। हमारे कुछ कोटेदार अब तक उससे कुछ बिजली का भुगतान कर भी चुके हैं। उनको बस इतना ही करना है कि अपने वॉलेट में बैलेंस रख करके और उसके बाद वो उपभोक्ताओं, जो भी उपभोक्ता उनके पास आए, उसका जितना भी बिल दिखा रहा है, जो वर्तमान का बिल होगा, बकाया बिल राशि कोटेदार भरने के लिए उपयुक्त नहीं है, जो भी वर्तमान में उनका बिल दिखा रहा है, जो भी जनरेट हो चुका है, उस बिजली का भुगतान, बिजली बिल का भुगतान वो कोटेदारों के माध्यम से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। धन्यवाद।